नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। आज एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं जो अधिकतर सीधी बात ही करते हैं, मन से महंत हैं, पहनावे से संत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे नए पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ। बहुत स्वागत है आपका सीधी बात। धन्यवाद। बीजेपी के लिए आप अलग अलग राज्य गए, हर जगह चुनाव जिता दिया, अपने ही गढ़ में चुनाव हार गए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दो उपचुनाव हारी है, गोरखपुर में और फूलपुर में। मेरा मानना है कि जब अति आत्मविश्वास में कोई कार्य होता है तो इस प्रकार की स्थिति होती है, लेकिन यह एक सबक भी है और मेरा विश्वास है कि हम लोग आने वाले समय में इन सब चूकों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेकर के बेहतर करेंगे। योगी जी, एक होती है हार, लेकिन हम बात यहाँ गोरखपुर की कर रहे हैं। 2009 में एक रैली में आपने कहा था, मैं आप ही की बात पढ़ती हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो हजारों लोग सुनते हैं, जब उन्हें कहता हूँ कि खड़े हो जाओ और हिंदू संस्कृति की रक्षा करो तो मेरी बात मानते हैं, अगर मैं उनसे खून मांग लूँ तो वो अपना खून भी दे देंगे। किसी से ऐसा रिश्ता हो और दिल टूट जाए, चुभता होगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर ये अति आत्मविश्वास था कि गोरखपुर की सीट अजेय है और हम लोग तो इसको जीत ही रहे हैं। आपके मन में भी था अति आत्मविश्वास? बिल्कुल, मैं भी इस बात को मानता था। कार्यकर्ताओं से जो बातचीत होती थी वह भी इसी बात को कहता था, पब्लिक भी इसी बात को कहती थी, लेकिन इस अति आत्मविश्वास में हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालता गया। गोरखपुर में मेरी उपस्थिति होती थी, हर व्यक्ति वहां रहता था, निचले स्तर पर मैं एक बार घूम लेता था तो सारे लोग अपने अभियान के साथ लग जाते थे, मैं अन्य क्षेत्रों में प्रचार में निकल जाता था। इस बार ऐसा नहीं हो पाया। मैं गया, सभाओं को संबोधित करके अन्य कार्यक्रमों में चला जाता था। कार्यकर्ताओं को यह था कि योगी जी इतनी बार से जीतते रहे हैं, कोई समस्या है नहीं, हर व्यक्ति अपने अनुसार जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालता रहा। और मतदाता को यह था कि अगर हम मतदान ना भी डालें, छुट्टी का दिन था, घर में लोग बैठे रहे, किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो गए, नहीं आ पाए, मतदान का प्रतिशत कम होना, दूसरा बहुत सारे फैक्टर होते हैं चुनाव में, उनको समझने में भूल करना है, गोरखपुर की सीट में हार का ये प्रमुख कारण रहा है। अच्छा, क्या होता है कि रिजल्ट जब किसी बच्चे का आता है, अगर खराब हो जाए तो माँ बाप या तो समझाते हैं या डांट लगाते हैं, तो क्या अमित जी और मोदी जी ने बातचीत की आपसे? हाँ, मेरे मुझसे बात हुई है और मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर के, उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर के जो एक भावनाएं हैं, उत्तर प्रदेश को जिस दिशा में आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें लगता है कि उस पर हम लोगों ने फोकस किया है, हम उस दिशा में लेके जा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि गोरखपुर में जो नतीजा आया चुनावी, उसके बाद आपने ताबड़तोड़ ट्रांसफर्स किए। मैंने किए हैं। तो आप ब्यूरोक्रेट से आपको दिक्कतें आती हैं या साथी मंत्रियों से? देखिए, मुझे न ब्यूरोक्रेट से जो है दिक्कतें हैं, न मंत्रियों से। हमारे यहाँ एक टीम वर्क है और हर एक के सामने एक टास्क है, उसको परफॉर्म करना होगा। लेकिन प्रशासन को एक बात की सख्त हिदायत है कि उसको डिलीवरी देने के साथ साथ इंटीग्रिटी में अगर कहीं भी डाउटफुल हुई तो सरकार इसमें किसी भी स्थिति में उसको स्वीकार नहीं करेगी। और जहां पर कुछ अधिकारियों की अपनी पारिवारिक परेशानियां थीं, उन लोगों ने भी शासन के संज्ञान में इस बात को रखा था, हमने इस बारे में कार्रवाई की है, उनको वहां से बदलने की कार्रवाई भी की है, कुछ लोगों के बारे में शिकायतें थी तो कार्रवाई की है, और कुछ रूटीन उसके हिस्से थे। कहने को दो सीटों का संयोग भी कह सकते हैं। बहुत लोगों ने यह भी कहा कि 250 ग्राम की जीत थी, 5 किलो का की खुशी मना डाली विपक्ष ने। लेकिन जो सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ,
जिस तरह से वोट एक दूसरे के साथ आ गए, आपने तो सांप छछूंदर से जोड़ दिया था, लेकिन कोई तैयारी कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? क्योंकि जो वो जानकार हैं वो कहते हैं कि ये तो सीधे सीधे 50 सीट ले जाएंगे एक साथ आ गए तो। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपने उन लोगों से कभी पूछा है कि ये गठबंधन है या सत्ता की सौदेबाजी? पहले इस गठबंधन का नेता कौन होगा? अखिलेश जी होंगे, मायावती जी होंगी, मुलायम सिंह जी होंगे, या इस गठबंधन में तीसरा दल कांग्रेस आता है तो कि राहुल गांधी होंगे? तय तो करें पहले। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जनता जिन समस्याओं से जूझती हुई 15 वर्ष तक झेली है, परिवारवाद की, जातिवाद की, भ्रष्टाचार की, राजनीति के साथ साथ उत्तर प्रदेश का विकास जो ठप हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो आम नागरिक त्रस्त हुआ है, उत्तर प्रदेश का जो युवा पलायन किया है, उत्तर प्रदेश में जो किसान बदहाल हुआ है, उत्तर प्रदेश जो एक जंगल राज अराजक प्रदेश बन चुका था, प्रदेश की जनता क्या इन सब परिस्थितियों को देख नहीं रही है? ऐसा नहीं है। देखिए, चुनाव या गठबंधन पहले, चुनाव के पहले हो करके सामने आता, परिणाम कुछ और होते। एकाएक बीच में आना, हम लोग उसको कहीं ना कहीं समझने में अति आत्मविश्वास किए, उसका परिणाम जो सामने होना था वो सामने आया। लेकिन 2019 के लिए हमारी अपनी तैयारी है, उनकी अपनी तैयारी होगी, लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन 2019 में करेगी। ऐसा तो नहीं है कि ब्रांड मोदी या ब्रांड योगी वीक हो रहा है यूपी में? ऐसा नहीं है। ब्रांड मोदी देश का एक ब्रांड बन चुका है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, जब जनरल इलेक्शन होंगे तो नेशनल इश्यू रहेंगे, लोकल इश्यू नहीं रहेंगे। दूसरा, हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस दौरान, एक वर्ष के दौरान कुछ करने का प्रयास किया है, अच्छा किया है, ये सारी चीजें काउंट होंगी। मोदी जी आते प्रचार के लिए तो नतीजा अलग होता? देखिए, उपचुनाव है, उपचुनाव को हम जनरल इलेक्शन के साथ जोड़ के नहीं देख सकते। लेकिन एक प्रश्न जरूर है, जो लोग ईवीएम में प्रश्न खड़ा करते थे, आज उनसे पूछा जाना चाहिए। आपने देखा होगा गोरखपुर के परिणाम अभी प्रारंभ हुए थे, पहला राउंड हुआ था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने कहना शुरू कर दिया कि साहब ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। अखिलेश यादव का अभी मैं एक दिन बयान देख रहा था, तो उनके द्वारा कहा जा रहा था कि ईवीएम में पहले से वोट पड़े हुए थे। पहले से वोट पड़े हुए थे तो फिर कैसे जीत गए लोग? नहीं तो वो तो आप ये कह रहे हैं कि आप लोग छोटे चुनाव में हार कर ईवीएम को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, लेकिन सवाल ये है कि जो जश्न मना रहे हैं, इसका मतलब ये जश्न भी झूठा है? चलिए हम आपके एक साल पर आते हैं। कई दफा हम आम लोगों से जैसे पूछते हैं कि अगर आप एक दिन के सीएम बन जाएं तो क्या करेंगे, एक दिन के पीएम बन जाएं, बहुत लोगों के मन में बहुत ख्याल होते हैं। लाजमी है कि आपके मन में भी ये ख्याल आता हो कभी, जब आप नहीं थे मुख्यमंत्री? नहीं, मेरे मन में कभी नहीं, कभी नहीं आया, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन आप अपने एक साल की सबसे बड़ी उपलब्धि किस चीज को मानते हैं, जो आपका आइडिया हो, आपका अमल किया हुआ हो, और आप उसे मानते हैं कि इससे बेहतर और नहीं हो सकता था एक साल में? देखिए, प्रदेश के अंदर इस एक वर्ष के दौरान हम लोगों ने एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास किया है और प्रदेश के परसेप्शन को बदला है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणाएं थी देश में, दुनिया में, हमने उस धारणा को बदलने में हम सफल हुए हैं और यूपी इन्वेस्टर समिट उसका उदाहरण है। जिस प्रदेश में एक वर्ष पहले निवेश करने की बात तो बहुत दूर थी, प्रदेश में लोग पलायन कर रहे थे, याद करिए केराना को। उस थ्योरी को तो कितनी बार सही गलत, सही गलत ठहराया गया। क्या वो वास्तविकता नहीं थी क्या? आखिर रिपोर्टिंग आप ही लोगों ने की थी वहां की, उसी केराना की रिपोर्टिंग आप लोग किए हैं, वहीं से लोग पलायन कर रहे थे, लौट आया।
कांधला से प्लान कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन और बेटियों की इज्जत की क्या स्थिति थी, आज वही किराना वापस व्यापारी आ रहे हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, देश और दुनिया का हर बड़ा उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहता है, क्यों? नहीं, ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था जो हम उसको फॉलोअप भी कर रहे हैं, हो रहा है, आ रहा है वो पैसा या सिर्फ जुबानी? इस महीने हमारे 25,000 करोड़ रुपए जो एमओयू हुए थे इन्वेस्टर समिट में, कुल इन्वेस्ट दोनों दिन जो एमओयू साइन हुए थे वो 4,68,000 करोड़ के हुए थे। पहले दिन तक 4,28,000 करोड़ का हुआ था, दोनों दिन मिलाकर के 4,68,000 करोड़ रुपए के हुए थे, और 25,000 करोड़ रुपए के पहले उसको हम लोग इसी महीने उसको हम लोग यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखने वाले हैं, और 25,000 करोड़ का अगले महीने रखने जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो रोजगार है वो भी आएगा, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को लेकर के हम लोग आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जब सत्ता में आए थे एक वर्ष पहले, हमारे सामने चुनौती थी। चुनौती किस रूप में? आज के दिन पर इन्वेस्टर्स उत्तर प्रदेश के अंदर इसलिए आना चाहता, उसको मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम जाएंगे, हमें सुरक्षा मिलेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर अब चीटिंग नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासनिक भ्रष्टाचार की चपेट में हमारी फाइल नहीं उलझेगी, इस विश्वास के साथ वो आया है। और ये किन परिस्थितियों में हम लोग पैदा किए हैं? अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में 1,62,000 सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फॉलोवर की जगह खाली पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, हमारे प्रदेश की 35,000 की एक भर्ती अभी हाई कोर्ट में लटकी हुई है, ये 2015-16 की है। कई बार फैसले रिजर्व रखे गए हैं, उस सब के बावजूद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल नहीं, लेकिन बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी हुई ना, और उसके बाद टीचरों को भी, योगी जी दिक्कत ये होती है ना कि जो आम लोग हैं वो कोर्ट ने किया है या सरकार कर रही है वो फर्क नहीं समझते, क्योंकि उनके घर में रोजगार नहीं है। हमारे समय में नहीं हुआ है, पिछली सरकारों के समय हुआ था, हम तो नौकरी दे रहे हैं। मैंने एक साल का कार्यकाल पूरा होने के साथ ही कल मैंने इस बात की घोषणा की कि हम 4 लाख से अधिक नौकरियों की अधियाचना भेज चुके हैं। अधियाचना के लिए हमारे पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, हमारे पास उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, हमारे पास बेसिक शिक्षा की जो नियुक्तियां होने जा रही हैं 1,37,000 की, हम उसमें भर्तियां करने जा रहे हैं। हम लोग माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग के माध्यम से सारी भर्तियां करने जा रहे हैं। पुलिस की भर्तियां अलग से एक बोर्ड बनाकर के उसके माध्यम से प्रारंभ हो चुकी हैं, और सब इंस्पेक्टर की भर्ती इसी महीने पूरी हो जाएगी। हमारे पास 42,000 की कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया इस समय चल रही है, तो हम तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पुलिस की तो जरूरत भी है, इतने एनकाउंटर होने हैं। हमारे पास एनकाउंटर नहीं होने हैं, हमें उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है। आप पर सवाल भी बहुत खड़े हो गए थे, मानवाधिकार के तमाम आरोप लगने लगे थे। उत्तर प्रदेश के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है, हम तो मानवाधिकारों के पक्षधर हैं। तो एनकाउंटर कब तक चलेगा इस तरह से? एनकाउंटर यहाँ पे एक भी फेक एनकाउंटर नहीं हुए हैं, एक भी नहीं। हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति को सुरक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के अंदर पुलिस की वर्दी का भय होना चाहिए। एंटी सोशल और एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कानून का भय होना चाहिए उनके अंदर, और आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आज आप चले जाइए मेरठ में, मेरठ में जो दुर्दांत अपराधी थे आज ठेला लगाकर सब्जी बेचते हुए दिखाई देंगे आपको। रोजगार उनको भी मिल गया है, रोजगार अपने मेहनत से पसीना बहा करके व्यक्ति कमाए, ये स्वावलंबन है, ये सम्मान है, किसी दूसरे के हक को छीन करके नहीं। कभी एक महंत और मुख्यमंत्री का टकराव होता है, कोई अंतर्द्वंद्व, कोई विरोधाभास? देखिए, कोई विरोधाभास नहीं है, ये कौन सा विरोधाभास? मैं राजनीति में आया हूँ सेवा के लिए, और हमारा धर्म भी हमें सेवा की प्रेरणा देता है। दोनों लक्ष्य, दोनों को सेवा है, सेवा ही धर्म है, और राजनीति में भी मुझे लगता है सेवा के लिए हम लोग आए। चूंकि बयान आपका आया एक, मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, मुझे इस बात पर गर्व है। आपको हिंदू होने पर गर्व है या ईद नहीं मनाने पर गर्व? नहीं, मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरी सरकार के कारण प्रदेश के अंदर
एक वर्ष के अंदर सभी मत मजहब संप्रदायों के पर्व त्यौहार आए, सभी पर्व त्यौहार सकुशल संपन्न हुए हैं, यही प्रदेश है। एक वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? पर्व त्यौहार खुशी के माहौल के लिए नहीं बल्कि लोगों के मन में भय पैदा करते थे कि मुहर्रम आ गया पता नहीं क्या हो जाएगा, होली आ गई पता नहीं क्या हो जाएगा। दूसरा, हर व्यक्ति को अपनी आस्था को व्यक्त करने का पूरा अधिकार है, हम किसी की आस्था में प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रॉपर सम्मान दे रहे हैं और उसको सम्मान बनाते हुए हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हंसराज अहीर ने जब संसद में बयान दिया तो उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक तनाव की जितनी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं उतनी देश भर में कहीं नहीं। ये 2016 के आंकड़े हैं, ये 2017 नहीं, 2016 तक के आंकड़े, मैंने पूरे देखे हैं, ये 2016 तक के आंकड़े हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तुलना अगर आप किसी अन्य छोटे राज्य से करें, उत्तर प्रदेश की आबादी आज के दिन में 22.5 करोड़ की है, यहाँ पर लगभग 20% आबादी अल्पसंख्यक समुदाय से है। जिस उत्तर प्रदेश में सप्ताह में 2 दंगे होते थे, एक वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, क्या इसको उपलब्धि नहीं मानते आप? नहीं, मैं महंत और मुख्यमंत्री के अंतर्द्वंद्व की बात जब मैं कर रही थी तो मैं आपका पसंदीदा रंग भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई दफा बहुत सारी चीजें संकेतों से जुड़ जाती हैं। भगवा आपका पसंदीदा रंग है? नहीं, मैं भगवा पहनता हूँ। लेकिन पसंदीदा रंग नहीं है? नहीं, पसंदीदा क्यों नहीं है, उगतावा सूर्य तो भगवा ही होता है। तो प्रदेश के विकास को अगर हमें उगतावा दिखाना है पूरे देश और दुनिया के अंदर, तो उगते हुए सूर्य को ही नमस्कार किया जाता है, डूबते हुए को नहीं। तो कोई रंग है आपके पसंद का? मेरी पसंद का रंग नहीं, जो धरती का रंग है वही मेरा रंग है। तो जब पेंटिंग करते हुए हज हाउस तक पहुंच गए थे तो ये अति उत्साह था? अति उत्साह नहीं था, देखिए इसके लिए कोई भी इस प्रकार की नोटिस नहीं थी, और ये तो जिसकी मर्जी जिस प्रकार जो रंग जिसको पसंद आ जाए उस प्रकार के। यहाँ पे किसी पुलिस थाने को भगवा रंग से नहीं रंगाया गया है, उनके जो स्पेसिफिकेशन है उसका वो पालन करें, इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है। मैंने यहाँ पे पुलिस की यूनिफॉर्म भगवा नहीं की है, मैंने यहाँ पर किसी अन्य उसमें इस प्रकार की व्यवस्था लागू नहीं की है, हर व्यक्ति अपनी पसंद को चुन सकता है। नहीं तो शिक्षा को भी देख के जैसे प्राथमिकता नहीं समझ आती है ना, लगता है कि मतलब स्कूल आपकी प्राथमिकता है कि मदरसे हैं, क्योंकि हर बात मदरसों से जुड़ी रहती है कि वहां पर सीसीटीवी, यहां पर रिकॉर्डिंग होगा, वहां 26 जनवरी मनाओ, 15 अगस्त मनाओ, राष्ट्रगान गाओ, हर जगह के लिए व्यवस्था है। और हम लोगों को तो खुश होना चाहिए कि राष्ट्रीय पर्व मदरसों में भी मनाए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं उसकी, हमने इस बारे में कहा कि भाई आप कौन से ऐसे केंद्र हैं जहां पर अच्छा कार्यक्रम हो, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसों ने अपने यहाँ रिकॉर्डिंग करके हमें उपलब्ध करवाया कि हम ये तो किसी तरह का दबाव ही होगा। दबाव नहीं, वीडियोग्राफी की कोई दबाव नहीं, हमने स्कूलों से भी कहा, हम तो एक प्रतिस्पर्धा, उन लोगों ने भी वीडियोग्राफी जो कर सकते थे अपना कार्यक्रम, किसी ने फोटोग्राफी में 100% मदरसों ने जमा किया, 100% ने किया, लेकिन अधिकतर लोगों ने किया। कहीं आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ संभालना मुश्किल होता है? आपने एक बड़े प्रदेश के तौर पर उत्तर प्रदेश की आबादी भी गिनवाई है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, गोरखपुर में जो वो मुद्दा आज की बात नहीं है, आपके लिए तो एक सांसद के तौर पर भी आपके कार्यकाल वहां पर बीते हैं, लेकिन एक तरफ इंसेफेलाइटिस से जंग चलती रहती है, दूसरी तरफ पता चलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट जाती है। नहीं देखिए आप, मुझे लगता है कि मैं इससे आज भी सहमत नहीं हूँ, ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं नहीं बाधित हुई, और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होती तो जो बच्चे वेंटिलेटर पे थे सबसे पहले उनके जीवन को खतरा होता है। मैं 9 तारीख को भी वहां का विजिट किया था, 10 और 11 की रात्रि को ये बात फैलाई गई कि 10 और 11 की रात्रि को ये हुआ, जो बच्चे 9 को वहां एडमिट थे, जो 5 को एडमिट थे, जो 7 से एडमिट थे, जो उससे पहले से एडमिट थे, और जो 11-12 में भी वही बच्चे वेंटिलेटर में हैं, कैसे कोई कह सकता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई? इंसेफ्लाइटिस आज से नहीं वहाँ पर है, 1977 से है, 1996-97 से इस लड़ाई को मैं स्वयं लड़ रहा हूँ। आज उसका परिणाम है कि गोरखपुर में देश के अंदर वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए सबसे अच्छी व्यवस्था गोरखपुर में है, वहाँ पे इंसेफ्लाइटिस के लिए स्पेशल वार्ड बने हुए हैं, वहाँ पर वायरल रिसर्च सेंटर देश का एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर का है जिसमें वायरल रिसर्च सेंटर बना हुआ है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लगातार होता है,
लगातार वहाँ पर अन्य तमाम कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। इस बार और बेहतरीन व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। 2 अप्रैल से फिर हमारा एक महाअभियान प्रारंभ होने जा रहा है उसके खिलाफ। हम लोग उसकी पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। हम लोग पहले भी किए हैं, पिछले बार भी किए थे, इस बार उससे बेहतरीन व्यवस्था हम लोग। क्योंकि आपका अध्ययन इतना गहरा है, मुझे लगता है लोगों को बहुत भरोसा हो रहा होगा कि इस साल देखिए हम लोग कार्य पिछली बार भी किए थे, इस बार और बेहतरीन करेंगे। शुरू शुरू में हम देखते थे तो आपके दोनों डिप्टी जो मुख्यमंत्री थे वो आपके अगल बगल, आज भी दिखते हैं? नहीं दिखे ना, एक साल बाद नहीं दिखे, ऐसे क्या बात कर रहे हैं? और खबरें आने लगी कि केशव प्रसाद मौर्य से कुछ खटपट चल रही है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे लखनऊ में डेरा डालना चाहिए तो आपको रोज दिखाई देंगे। नहीं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं नजर आए थे, लेकिन बहुत सारी जो एक साल पूरे होने पर जवाब नहीं किया। क्यों, कल ही तो सभी लोग मौजूद थे, कल कोई प्रेस वार्ता नहीं थी, कल तो मंच पे सभी लोग मौजूद थे, पूरा मंत्रिमंडल मौजूद था, हमारे सभी विधायकगण मौजूद थे, पूरा संगठन मौजूद था। चलिए, सारी बातों पर आपने सीधी बात की है, लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पहले सीधी बात ज्यादा होती थी, अब थोड़ी कम हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हम सीधी बात कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सत्ता में जब नहीं थे तो सीधी बात जरूर करते थे, सत्ता में आने के बाद हमेशा सीधी बात उस पर नहीं करते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, योगी जी, इस पर सीधी बात क्या है आपकी? सीधी बात यही है, हमें राम जन्मभूमि से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसमें डे टू डे की सुनवाई की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। मुझे लगता है, हम आशावादी हैं और हमारा विश्वास है कि ये वर्षों से चली आ रही एक समस्या का समाधान होगा। लोग तो और आशावादी हैं, वो कहते हैं कि सेंटर में मोदी हैं, यूपी में योगी हैं, अभी अगर राम मंदिर नहीं बना तो कभी नहीं बन सकता है। आपकी ये भावनाएं हैं तो अवश्य कहीं ना कहीं इस दिशा में कदम बढ़ेंगे। समय कम है लेकिन उसके लिए? कोई समय हमारे पास कम नहीं। 2019 के चुनाव में निर्णायक होगा राम मंदिर का निर्माण? राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आस्था का मुद्दा है और मुझे लगता है आस्था का सम्मान होना चाहिए। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से कह दिया है कि हम आस्था या और किसी मुद्दे को नहीं, लेकिन हम जमीन विवाद को लेकर ये मामला सुलझाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि श्री श्री रविशंकर सामने आए, उन्होंने कहा कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। आपसे भी एक दफा मुलाकात हुई उनकी? दो बार मुलाकात बार रहे थे। क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट मुमकिन है इसमें? देखिए, समझौते के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए दोनों पक्षों के बीच में कुछ सहमति होनी आवश्यक है। एक पक्ष हमेशा वार्ता के टेबल से भागता रहा है। हमने हमेशा वार्ता को प्राथमिकता दी है, आज से नहीं दी है। हमारा जो गोरखनाथ मठ है वो आज से नहीं, 1934 से इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ है। 1934 में, 1949 में, 1983 से लेकर के मेरे गुरुजी स्वयं राम जन्मभूमि मुक्ति के समिति के अध्यक्ष रहे हैं 1983 से लेकर के, और 2003 तक लगातार वार्ता के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। वार्ता के लिए प्रयास तब तक आवश्यक थे जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये मामला नहीं गया था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हिंदू पक्ष नहीं गया, समस्या का समाधान होना चाहिए। एक विवाद को लेकर के हम देश के सौहार्द को खराब करें, उचित नहीं है। आज डेवलपमेंट लोगों की आवश्यकता है, डेवलपमेंट पर चर्चा ना करके केवल एक इश्यू को लेकर के लगातार वो कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें उच्चतम न्यायालय पर विश्वास करना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट पॉसिबल नहीं है आपके हिसाब से? आज के दिन पर मुझे लगता है बहुत कठिन है, क्योंकि श्री जब कर रहे थे अपनी ये पूरी कोशिश और अभी भी उनकी जारी है, तब एक विवाद ये भी आया कि कुछ पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है मुस्लिम पक्ष को, तो क्या इस तरह की भी चीजें आपको सुनाई पड़ती हैं कि वो जमीन कहीं और दे रहे हैं, कहीं और बना क्या रहे हैं? उनके बीच क्या इश्यूज थे? मुझे मेरी 2 बार श्री श्री रविशंकर जी से मुलाकात हुई थी, एक बार लखनऊ में, एक बार गोरखपुर में, लेकिन दोनों बार इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी, हमारे पहले से संबंध है उसी के अनुसार मुलाकात हुई थी, इससे कोई चर्चा नहीं हुई। मुद्दे विनय कटियार ने कहा था कि एक बार फिर कुर्बानी देनी होगी, किस तरह की कुर्बानी की बात कर रहे हैं? अब विनय जी ने कहा, इस बात के बारे में विनय जी ही बता पाएंगे, आपको नहीं बताया? नहीं, मेरी इस पर कोई चर्चा नहीं। और लोग तो कहते हैं कि राम मंदिर का सिर्फ झांसा दिया जा रहा है, वो नकली राम सीता के ही दर्शन कर लो। देखिए, राम तो इस देश के कण कण में व्याप्त है,
सवाल राम मंदिर का नहीं, सवाल जन्मभूमि का है, और उसी बात को लेकर के लड़ाई आगे बढ़ रही है। 2019 के चुनाव को लेकर कहा जाता है, और कांग्रेस को बहुत ज्यादा इस बात पर चिंता थी कि अगर पहले सुनवाई हुई, पहला फैसला आया, तो इसका नतीजों पर असर पड़ सकता है, जिस पर अदालत ने अपना अलग रुख रखा। लेकिन अब ऐसी एक होड़ शुरू हो गई है जहां पर हर पार्टी एक हिंदू पहचान तलाश रही है, वो सेक्युलर वाला जमाना लगता है गया। आपको लगता है जो बीजेपी का यूएसपी था, जो खासियत थी, वो खत्म हो जाएगी धीरे धीरे? देखिए, हमारी बहुत बड़ी विजय है ये। राहुल गांधी के परनाना अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, लेकिन राहुल गांधी को, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की चौथी पीढ़ी में आते आते उनको ये साबित करना पड़ा कि मैं जन्योधारी हिंदू हूँ, और मंदिर में जा जा करके माथा टेक रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विजय है। आज लालू जी के सुपुत्र कहते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, आज अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ। यानी अगर मैं कहूँ तो बुरा, और अखिलेश यादव कह रहे हैं तो वो सच, वो सही है। ये हम लोगों की विजय है, और ये बात इस बात को साबित करती है कि हिंदू कोई जाति नहीं, हिंदू कोई उपासना विधि नहीं, हिंदू कोई मत संप्रदाय मत या मजहब नहीं, हिंदू भारत की एक सांस्कृतिक पहचान है, भारत की सांस्कृतिक सीमाओं का दिग्दर्शन हमें कराता है। इसलिए यह हमारे लिए कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं था, लेकिन देश की आस्था का सम्मान होना चाहिए, इस लड़ाई को हम लोग जरूर लड़ते थे, और उस लड़ाई में ये सभी सहभागी बन जाएं तो विवाद का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। श्री राम की एक प्रतिमा की बात आपने की थी सरयू किनारे। अयोध्या में हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बहुत कुछ अयोध्या में होने जा रहा है, वो हमारे लिए हर प्रकार से महत्वपूर्ण है। देश की, ये मेरा सौभाग्य है कि इस देश के जो 7 पवित्र नगरियों को शास्त्रों ने मान्यता दी है, उसमें अयोध्या, मथुरा और काशी तीनों उत्तर प्रदेश में है। देश की भावनाओं का प्रतिनिधित्व हमारी पवित्र नगरियां करती हैं, साथ साथ देश और दुनिया के पर्यटकों को भी आकर्षित करने के लिए हमारे पास ये महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन को बढ़ावा देने की एक जो हमारी भावनाएं हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए अयोध्या में भी हम कार्यक्रम करते हैं, मथुरा में करते हैं, काशी में करते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन कुंभ का होता है, महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती में होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, उनके सानिध्य में यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दी है, 2019 में कुंभ का आयोजन भी है। नहीं देखिए ना, कि आप तो मुख्यमंत्री जब से बने तब से बहुत संयम है आपके बयानों में, लेकिन आपके जो साथी हैं ताजमहल का पीछा नहीं छोड़ रहे, आप धरोहरों की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा ना, हमारे लिए टूरिज्म की दृष्टि से सभी स्थल हैं, और हम लोग उस सबको उसी रूप में ले रहे हैं। कर्नाटक में जो लिंगायत का मुद्दा अभी उठा है, और जिस तरीके से उसे एक अलग धर्म का दर्जा दिया जा रहा है, खतरा देखते हैं? देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है। इस देश के अंदर विभाजनकारी राजनीति को कांग्रेस ने हमेशा प्रोत्साहित किया है, और राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए इस बारे में कि विभाजनकारी राजनीति इस देश को कहां लेके जाएगी, और ये कांग्रेस के उस विभाजनकारी मानसिकता को एक बार पुनः प्रदर्शित करता है। यह देश और कर्नाटक की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। आपको नहीं लगता है जिस तरह से कांग्रेस उत्साहित है कि उसके लिए ट्रंप कार्ड साबित होगा यह? कांग्रेस तो चुनाव के पहले हमेशा उत्साहित रहती है, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में जमानत गंवाने के बाद भी उत्साहित है, क्योंकि उसे भविष्य का गठबंधन दिख रहा है। ओह, तो राहुल गांधी अपना जगह तो ढूंढे पहले कि राहुल गांधी की जगह कहां पे है। साइकिल में तो 2 ही सीट होती हैं, तीसरी लगती नहीं है। आपको गठबंधन से डर नहीं लग रहा है जो सामने? हमें कोई भय नहीं है, गठबंधन से कोई भय नहीं। हम गठबंधन के बारे में जानते हैं, गठबंधन की वास्तविकता को भी जानते हैं। उसका भय न होना कहीं उसी अति आत्मविश्वास से तो नहीं जुड़ेगा? वो अति आत्मविश्वास से नहीं जुड़ा है, और उस गठबंधन को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। योगी जी, आपने कहा कि जो ऑक्सीजन का मामला था उसमें एक भ्रम फैलाने की स्थिति खड़ी हुई, लेकिन ये जो हिंदू युवा वाहिनी का मामला है जिसकी वक्त वक्त पर खबरें आती रहती हैं उनके गुंडागर्दी की,
इसमें भी भ्रम फैल रहा है या सच्चाई? एक एक भी घटना ऐसी नहीं हो सकती है, सिंगल युवा वाहिनी कोई गुंडागर्दी नहीं। मैं कहता हूं सिंगल घटना के बारे में बता दें। ऐसा तो नहीं है कि राज्य की पुलिस पर्दा डाले? पुलिस पर्दा क्यों डालेगी, जब पुलिस को पूरी स्वतंत्रता है कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटने के लिए, तो मुझे लगता है कि फिर यहां पर कोई प्रश्न किसी के ऊपर खड़ा नहीं किया जा सकता। और अगर आपके सामने कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसे तथ्य लाता है तो क्या आप एक्शन लेंगे? लिए हैं, लेंगे भी। लिए हैं? एकदम लिए हैं। योगी हमने किसी को, मैंने कहा ना कि हमने एक लक्ष्मण रेखा खींची है प्रदेश के अंदर, और कानून के नजरिए में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, लेकिन कानून को हाथ में कोई लेगा तो फिर उसके लिए कोई रियायत भी नहीं। ये एक मुख्यमंत्री का वादा है, लेकिन एक और वादे के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के साथ, कि कुछ और खरी खरी बातें होनी है। इस कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में जुड़िएगा हमारे साथ बस इस ब्रेक के बाद। अगर आपको एक सुझाव देना हो प्रधानमंत्री को 2019 के लिए, क्या देंगे? भारतीय जनता पार्टी में एक रीति नजर आती है योगी जी, वो ये कि जो शीर्ष का नेता होता है वो थोड़ा उदार छवि वाला होता है, विकासवादी चेहरा होता है, और जो नंबर टू होता है वो एक कट्टर हिंदू की छवि के साथ आता है। ये हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, फिर आडवाणी और मोदी हुए, अब मोदी और योगी के साथ दिख रहा है। देखिए मोदी जी देश के नेता हैं, और आजादी के बाद पहली बार इस देश के अंदर विकास का विजन क्या होना चाहिए, इस देश का राजनीतिक एजेंडा क्या होना चाहिए, मोदी जी ने 2014 में तय किया, और आज पहली बार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि 35 करोड़ से अधिक गरीबों के बैंक में खाते खुल रहे हैं, इस देश में 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन मिल रहे हैं, देश के अंदर आज़ादी के बाद जिन्होंने कभी विद्युत कनेक्शन नहीं देखे थे ऐसे लगभग 4 करोड़ परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिल रहे हैं, देश के अंदर हजारों गाँव जिनमें कभी आज़ादी के बाद बिजली नहीं पहुंची थी वे विद्युतीकृत हो रहे हैं, देश के अंदर जो पूर्वी भारत हमेशा विकास के पायदान पर हमेशा पीछे होता था आज फोकस करके विकास उन तक पहुंचाने की कार्रवाई हो रही है। रहे हैं कि वो विकासवादी चेहरा है, विकास और आप नंबर टू चेहरा, वही विकास की उसी कार्रवाई को हम लोग भी उत्तर प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट कर। आप हिंदूवादी चेहरा नहीं है? मैं राष्ट्रवादी हूं, और विकास के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विकास और सुशासन के इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं। चलिए आप अलग अलग राज्यों में प्रचार के लिए गए, आप गुजरात भी गए थे, त्रिपुरा गए, कर्नाटक भी जाएंगे आप? पर मैं कर्नाटक चुनाव के दौरान और ज्यादा, चुनाव के दौरान जहां भी पार्टी की, देखिए ये पार्टी का हो रहा है कि अगर स्टेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव है अन्य राज्यों के कार्यकर्ता आते हैं, अदर स्टेट में होंगे तो हम लोग भी जाते हैं। नहीं, स्टार प्रचारक की बात अलग, स्टार प्रचारक हो चाहे एक कार्यकर्ता के रूप में हो जाते हैं। नहीं, विरोधी कहते हैं कि योगी जी तो हर राज्य में घूम लेते हैं, यूपी में इंटरेस्ट नहीं है उनको। नहीं, मैं यूपी में भी घूमता हूं, मैं जितना घूमा हूं यूपी में 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उतना नहीं घूमे होंगे यूपी में। चलिए मिशन 2019 की जब हम बात करते हैं, मिशन 2019 तो है, सभी विपक्षी दल अभी तक लाचार दिखते थे, अचानक ऊर्जा उन्हें मिल गई है एक नए गठबंधन से, बिल्कुल भी आप उसमें एक चुनौती नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये सच है, सच दिल से बोल रहे हैं आप, सीधी बात। मैं इसीलिए सीधी बात करने के लिए यहां बैठा हूं। अभी सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, वहां पर 400 प्लस का फिगर दिया गया था, आपका आकलन कितना कहता है? हाँ, हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान जो गरीब कल्याण योजनाएं और विकास की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लागू की हैं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन 2019 के आम चुनाव में करेगी। 400 मुमकिन लग रहा है? एकदम, क्यों नहीं, उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे हम लोग। और उत्तर प्रदेश जो राज्य है जहां पर सारे परिवार वाली सीटें आप लोगों को नहीं मिली थी, बाकी सब मिल गए थे, इस बार परिवारवाद भी समाप्त होगा, 80 में 80 दे रहे हैं, 80 में 80 हम लोग जीतेंगे। मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए आप 3 साल सांसद भी रहे हैं और उसके बाद 1 साल से मुख्यमंत्री हैं, आप कहेंगे छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आपको एक सुझाव देना हो प्रधानमंत्री को 2019 के लिए, क्या देंगे? देखिए सुझाव मतलब मोदी लेते हैं जी को देने की आवश्यकता नहीं, मोदी जी अपने आप में देश के नेता हैं, और देश के विकास के लिए, पूरे देश के लिए
विकास और सुशासन के लिए जो मंत्र उन्होंने दिया है, मुझे लगता है कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस मंत्र को अंगीकार करता है, इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने आप को लगाता है। लेकिन जो सुझाव देते हैं वो सुनते हैं मोदी जी? देखिए बिल्कुल, पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक परिवारवादी एक वंशवादी नहीं। नहीं कहते हैं उसमें अमित शाह जो बोलते हैं वही मोदी जी सुनते नहीं, किसी नहीं। के नहीं। पूरी पार्टी का जो लोकतांत्रिक स्वरूप है बहुत अच्छे ढंग से संचालित हो रहा है। आखिरी सवाल, भविष्य में कभी कभी किसी साल क्या योगी आदित्यनाथ अपने आप को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं? नहीं, मैं किसी पद के लिए दावेदार नहीं हूं, मैं एक योगी हूं। मुझे पार्टी ने प्रदेश की जनता की सेवा का अवसर दिया है, मैं प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी, सीधी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते एक और शख्सियत से होगी सीधी बात। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।